झारखंड के गांव में इन दिनों एक नई बयार बहने लगी है। ये नई बयार है बाल पत्रकार कार्यक्रम की। सच है कि अगर आपको कोई स्थायी बदलाव करना है तो उसकी शुरुआत बच्चों से करनी चाहिए। इसी धारणा को पुष्ट करते हुए यूनिसेफ के द्वारा राज्य के स्कूलों में बाल पत्रकार तैयार किए जा रहे हैं, जो अपने घर और अपने आसपास किसी भी समस्या पर एक पत्रकार की तरह पैनी नजर रख सकें और इनमें सुधार के लिए सजग होकर प्रयास करें। और इस प्रयास के कई सकारात्मक परिणाम अब दिखलाई भी देने लगे हैं। ऐसा ही एक अनूठा परिणाम पिछले दिनों पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा जिले के मानुष मुरिया मध्य विद्यालय में देखने को मिला। इसी विद्यालय की बाल पत्रकार संजना को खुद अपने ही घर में शौचालय का न होना अखरने लगा। उसे लगा कि अगर वो अपने घर से शुरुआत नहीं करेगी तो किसी और से कुछ कहना सही नहीं होगा। हमारे विद्यालय में एक दिन बाल पत्रकारों का मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में ये कहा गया कि गांव वालों को शौचालय इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करना है। पर मेरे घर में ही तो शौचालय नहीं था, तो मैं दूसरों को कैसे बताती कि शौचालय का उपयोग कीजिए। और उसी दिन मैंने ठान लिया कि मुझे मेरे घर में शौचालय बनवाना ही है। ये विचार आते ही संजना ने अपने परिवार वालों से बात की। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति एवं पुरानी सोच का हवाला देते हुए संजना को चुप करा दिया। अब संजना इस समस्या से निपटने का कोई और रास्ता ही ढूंढ रही थी कि उसे पता चला कि अपने क्षेत्र के विधायक जी उसके गांव में आने वाले हैं। ये जानकारी मिलते ही संजना ने निश्चय कर लिया कि अब वो अपनी समस्या विधायक जी के पास अवश्य रखेगी। एक दिन विधायक सर श्री कुणाल सारंगी जी हमारे मोहल्ले में आए थे। मैं सर से बात की कि सर हमारे घर में शौचालय नहीं है, इसके कारण हमें सर बहुत तकलीफ होती है। तो ये लड़की आई और मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि सर मेरा शौचालय घर का अभी तक नहीं बन पाया है। मैंने कई बार ऑफिसर से बात करने की कोशिश की, पंचायत पदाधिकारियों से भी कहा, इंजीनियर्स भी आए, उन्होंने मेरा घर देखा और कहा कि तुम्हारे घर में इतना स्पेस नहीं है कि हम तुम्हारे घर में शौचालय का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने विभागीय पदाधिकारियों से फोन पर बात किया, मैंने कहा विलंब आप आकर जाँच करें, स्थल जाँच, कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम है मुझे बताएं ताकि हम मिलजुल कर उसका समाधान निकाल सके। और कुछ घंटों में ही इंजीनियर्स आए, उन्होंने उसका घर देखा और जब जगह उन्होंने इंस्पेक्ट किया तो उन्हें जमीन भी मिल गई और उसके घर पे शौचालय बनने का रास्ता साफ हो गया। विधायक कुणाल शाडंगी जी से मिलने के बाद संजना ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मुलाकात की। वीडियो सर से मिली, वीडियो सर को बोली कि सर हमारे घर में शौचालय नहीं हो रहा है, आप हमारे एप्लीकेशन में रिसीव कर दीजिए तो होगा, हमारा शौचालय होगा, स्टार्ट होगा। फिर सर रिसीव कर दिया एप्लीकेशन में, अब हमारा शौचालय जारी है जिससे हम बहुत खुश हैं। और इस प्रकार संजना ने अपने घर में शौचालय बनवा ही लिया। आज पूरा गांव संजना के इस कार्य की प्रशंसा कर रहा है। चाइल्ड रिपोर्टर्स प्रोग्राम के तहत जो बच्चे चाइल्ड रिपोर्टर्स के रूप में काम कर रहे हैं उनमें जो आत्मविश्वास आया है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा है और अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी है वो निश्चित रूप से उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। और वो सोचते हैं कि अगर मेरे इर्द गिर्द कोई घटना घट रही है, कोई समस्या है, उसका निराकरण अगर किसी पदाधिकारी के सामने, जनप्रतिनिधि के सामने रखने से हो सकता है तो वो बेझिझक इस काम को कर रहे हैं। तो ये जो मानसिक बदलाव आया है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है आने वाले दिनों के लिए। सच तो यही है कि बाल पत्रकार कार्यक्रम ने संजना और उसके जैसे कई बच्चों में एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना और अदम्य साहस जैसे गुणों का संचार किया है और हम चल पड़े हैं अपने सपनों को साकार करने की ओर।